गाइस कैसे हैं आप सब लोग। माडी मोबाइल के एपिसोड नंबर 105 में एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आएगा। मैं हूँ आपका दोस्त विजय, आप देख रहे हो मेरा चैनल वर्ल्ड एनिमल ब्रोस। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरे घर पर अभी काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो बातें करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियांग इजाबेला की पावर्स निकालने के लिए फॉर्जिंग मेथड का उपयोग कर रहा होता है। तो इस एपिसोड में जियांग फॉर्जिंग चिल्लाते हुए उस वेपन का इस्तेमाल करने लगता है और उस वेपन से काफी तेज लाइट निकालने लगती है। उसकी लाइट की एनर्जी लिलियन की आंखों में चुभ रही होती है और वह अपने हाथों को आगे कर लेती है और कह रही होती है नहीं। तभी अचानक से वह एनर्जी कम हो जाती है और फिर वह पूरी तरह से गायब हो जाती है। जियांग यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कोई रिस्पॉन्स नहीं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तभी लिलियन जियांग को देख कर उसकी खिल्ली उड़ा लगती है और बहुत ही तेज हंस रही होती है। वह कहती है कि मुझे लगा कि तुम बहुत ही कमाल की हो, लेकिन तुम बस एक कचरे के टुकड़े हो। फिर लिलियन कहती है यह आत्माओं को इकट्ठे करने वाला ब्लेड है जिसका उपयोग देवताओं द्वारा किया जाता है। तुम्हारे पास मैजिक पावर्स नहीं है और तुम अभी भी सोचते हो कि तुम इसका उपयोग कर सकते हो। और फिर जियांग इजाबेला से कहता है कि अगर तुम स्प्रिट गैदरिंग ब्लेड का उपयोग करती हो तो तुमको स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में वापस रिकवर होने में कितना समय लगेगा। इजाबेला बोलती है 100 साल। जियांग कहता है तो तब तक तो मैं बूढ़ा होकर मर भी चुका होऊंगा। फिर जियांग कहता है यदि तुम उसका जादू सीधे लेती हो तो तुम निश्चित रूप से न्यूक्लियर रेडिएशन को भी अब्सॉर्ब कर लोगी और अन्यथा कोशिश करने में फेल होते हैं। जे बोलते ही जियांग अपनी आंखें बंद कर लेता और ध्यान लगाने लगता है और फिर जियांग के चारों तरफ से एनर्जी निकलने लगती है और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि उसके टीचर कह रहे होते हैं कि बस अपने दिल पर ध्यान दो, जो तुम सोच रहे हो उस पर डटे रहो। वह खुद से कह रहा होता है टीचर की मेहनत और प्रयासों को बर्बाद न होने दो और फील्ड में परिवर्तन को महसूस करें। और फिर जियांग की फील्ड स्किल एक्टिवेट हो जाती है और फिर जियांग के नीचे से शैडो जैसा कुछ निकलने लगता है जो कि वहाँ पर मौजूद अलग ही फील्ड बन जाता है। इजाबेला यह सब देख के थोड़ा सा हैरान हो रही होती है। जियांग कहता है मैंने ढूंढ लिया इजाबेला का मैजिक कोर, बिल्कुल वही मैजिक जो इजाबेला ने मुझ तक पहुँचाया था। और फिर जियांग स्प्रिट गैदरिंग ब्लेड को आगे करते हुए कहता है कि चलो अब बाहर आ जाओ। और उस स्प्रिट गैदरिंग ब्लेड में से एक एनर्जी निकलते हुए लिलियन की तरफ जाने लगती है। एनर्जी सीधा लिलियन के माथे में जाके लगती है और वह दर्द की वजह से बहुत ही तेज चिल्लाने लगती है और फिर वह एनर्जी का कोर लिलियन की बॉडी से बाहर आने लगता है। लिलियन चिल्लाते हुए कहती है तुम नीच मानव जाति। जैसे ही वह एनर्जी का कोर लिलियन की बॉडी से बाहर आता है, लिलियन वापस से पहले अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। लिलियन कहती है मैं इतना पावरलेस महसूस क्यों कर रही हूँ। और फिर जियांग स्पिरिट गैदरिंग ब्लेड की मदद से उस पावर के कोर को वहां से मूव करते हुए इजाबेला के पास ले जाने लगता है और फिर वह कोर इजाबेला के अंदर समा जाता है। जियांग चैन की सांस लेता और कहता है किस्मत से यह काम कर गया। जियांग हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है इजाबेला अपना जादू वापस ले लो। और फिर हम देखते हैं इजाबेला की चेस्ट साइज में थोड़ी बढ़ जाती है और उसकी वह डीमन टेल भी वापस आ जाती है। और फिर हम इजाबेला को उसी ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं जो कि पहले वह हुआ करती थी। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 105 यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।